वो देखो दूसरा बड्डी देखो। ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो भाइयों फाइनली बड़ी हैड इट्स हिज ब्रेकफास्ट और अब वी आर वेटिंग फॉर पैकर्स एंड मूवर्स, वो भी ऑलमोस्ट आने वाले इन 1 आवर। तो अभी पहले बड्डी को नाश्ता करा दिया है, अब वॉक पे ले जाके इसके बाद चलो इसके बाद सीधा फिर जाएंगे अपना नाश्ता लेने। आज घर में कुछ बनेगा नहीं, फिर एसी वाले भी आएंगे टू रिमूव एसीज और सब चीज़ें। तो नहीं नहीं इसकी क्यूट सी नाक देखो, चलो आ जाओ। सो गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप लोग अच्छे हो। और यार अभी जा रहा हूँ, पहले स्कूटी में पेट्रोल डलाऊँगा 100 रुपये का, ज़्यादा नहीं डलाएंगे क्योंकि ये भी अभी चढ़ेगी ट्रक पे। और फिर जाऊँगा नाश्ता लूँगा बढ़िया देसी नाश्ता, कचौड़ी सब्जी और ये सारी चीज़ें। तो अभी चलते हैं फटाक से, पहले इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि इसको चलना था नहीं, तो इसमें पेट्रोल ऑलमोस्ट है भी नहीं है देखो। और इसका रिजर्व विजर्व लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं, आज तक कभी रिजर्व लगा नहीं। हम लोग की यार आदत रही है, बट मुझे याद आ गया कि बता दूंगा तो आदत टूट जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट इतना जान लो कि हमें पता नहीं है कि अगर इसमें रिजर्व लगता कैसे ना भाई, तो समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इसमें, 100 रुपये का तेल डलाएँगे और फिर हम लोग चलेंगे नाश्ता लेने। बहुत बढ़िया यहाँ नाश्ता मिलता है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। कचौड़ी सब्ज़ी, सूखी आलू की सब्ज़ी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखो टंकी है, आगे टंकी में डलाएंगे तेल। सो इसमें डलवा लिया भाई पेट्रोल, देख सकते हो मीटर थोड़ा सा तो ऊपर आया ही है। और ये रहा ब्यूटीफुल कानपुर, सुबह के बज रहे हैं 8:10, मज़ा। अब मेरे समझ नहीं आ रहा आज संडे है, जनता जा कहाँ रही है, बहुत ही बेहतरीन। और मेट्रो चलती है यार, मैं कभी बैठा नहीं कानपुर मेट्रो में, मुझे मिला नहीं सौभाग्य। दिस इज द ब्रेकफास्ट, कचौड़ी आलू मटर की सब्जी, पनीर एंड आलू, जलेबी, रायता और पनीर तड़का। पनीर तड़का क्या, ये है आपका टिक्का पनीर मसाला। तो ये है भी नाश्ता क्योंकि दोपहर में हम लोग कुछ नहीं खाएंगे यार, टाइम नहीं मिलेगा। तो लेट्स एंजॉय द मील। तो गाइस देखो मम्मी रो रही है कानपुर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ठीक है मिल, हाँ तो कानपुर ही मंदिर है ना? नहीं तो मंदिर वहाँ सोसाइटी में भी है, क्यों परेशान है? तो भाइयों फुल ऑन पैकिंग चालू हो चुकी है, एसी खोलने वाले भी आ गए, पूरी पैकिंग चल रही है। तो भाई अभी जा रहे हैं यार गैस का सिलेंडर सरेंडर करने, तो देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है भाई। लकली घर से ठीक बगल में ही है गैस की एजेंसी इंडियन गैस, तो चल रहे वो काम कराने। पहले पापा भी जाने वाले थे बट यहाँ पे रहना ज़रूरी है क्योंकि सामान बतानी पड़ेगी कौन कहाँ कैसे पैक होगी, और थोड़ा सा लेट आए लोग बट ठीक है, नेवर द लेस काम हो जाएगा। सब देखते देखते सारी एसीज हमारी उतर चुकी हैं, वोल्टास वाली भी, और धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। गैस का सिलेंडर वहाँ सबमिट हो चुका है, और बॉडी को देखो वहाँ मट्टी में लेटा हुआ है, क्या ही करूँगा इसका। बॉडी को बुल्ले आ दिया है, बॉडी जी बैठ गए, पैर देखो कितना गंदा हुआ है यार, माइंड मत करना। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक है, बड़ी अब ले जाओ। बैठी हुई है, अब पूरी पैकिंग चल रही है यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखो लेटे हुए हैं, मैं बैठा हूँ कर। तो भैया लोगों को सब्सक्राइब करा दिया है, 3 नए सब्सक्राइबर मिल गए हमें, अब जल्दी गए हमारा हो गया मोनेटाइज हो गया मेरा मोनेटाइज हो गया, मुझे चाहिए नहीं है, धीरे धीरे बढ़ ही रहे मेरे। तो बाकी सारी पैकिंग हो गई है यार, और उधर भी चल रही है हमारी पैकिंग, दिखाता हूँ बड़ी को देखो, बड़ी पूरा सोया ही हुआ है, लोटी भी उतर गई। इसको भैया कोई फर्क नहीं है, चोर आए डाकू आए आदमी आए, उसको सोने से मतलब है वो सोएगा। तो सारी पॉलिथीन फाड़ा था ये,
अब मेरे ऊपर भौंक रहा है लोग, फिर कहीं से निकाला कोई, कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है, कोई बात नहीं। सो यार सारा पैकिंग हो गई है एंड वी आर वेटिंग फॉर दी व्हीकल कि कब ट्रक आएगा और ट्रक में तब सामान लादी जाए भाई। अरे पापा, और डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया भाई, ढाई तीन घंटे हो गया, एक घंटे तो बस सो के उठ चुका हूँ। अभी तक ये लोग आए नहीं है, ट्रक आई नहीं है इनकी, और सुबह से नहाया नहीं यार, नहाते हैं देखते, नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो तबीयत ढीली लग रही है। खाए कुछ नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट किया था खाली, उसी के भरोसे हम लोग चल रहे हैं अभी तक। और ये तो कह रहे हैं कि देखते हैं कब तक आता है, और लोडिंग कराने में भी एक से डेढ़ घंटे लगेंगे इनको, सो कुछ कर नहीं सकते, लेट्स वेट एंड वॉच। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो यार। बड़ी को देखो, ये देखो भाई, शिफ्टिंग जो है बहुत टायरिंग गेम है, मैं सच में बता रहा हूँ। मतलब नॉर्मली तो लोग करते ही हैं गुड़गांव में, और सारे कलीग्स वलीग थोड़ा बहुत सब लोग शिफ्ट होते हैं, बट पता नहीं क्यों लग रहा है तबीयत ख़राब हो रही है, आई रियली डोंट नो। बहुत ज़्यादा काम था यार, गैस पहुँचाना, ये करना, वो करना, इन्वर्टर देना, मतलब सब काम हुआ है सुबह से, पैकिंग वैकिंग एंड ऑल, और वही है। और नींद पूरी नहीं है, फिर जब से आया हूँ घर, जब से आया हूँ घर भाई, खाली 5:30 बजे उठ जा रहा हूँ डेली, क्योंकि राजा साहब को टहलाना होता है। और राजा साहब जो है, ये इसको पता चल गया कि मैं हूँ। अरे गुस्सा है क्या? आज कंप्लेन कर रहा था मम्मी से मेरी, काट रहा था मैं बात भी बाहर, तो कंप्लेन कर रहा था। और मैं इसको अपने पास बुलाया था सुलाने के लिए, आया नहीं, गुस्सा है भाई। अब देखो भैया लोग काम वाम छोड़ के चढ़ गए आम के पेड़ पे, और भाई एकदम रोजी अल्फांसो टाइप आम है इस पेड़ के। देखो भैया चढ़े हुए, भैया दिखाइए कितने मिले, ये देखो भाई एकदम नेचुरल आम है, खा के मजा आ रहा हूँ। मैं आम खाता नहीं हूँ फिर भी खा रहा हूँ। अब बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहा लिया तो मैं और नहा लूँगा, बट पानी से नहीं, किसी और चीज़ से। तो गाड़ी आ गई भाई, और लोडिंग हमारी चालू हो चुकी है। इसको देखो भाई, ये रेडी है बाइक राइड के लिए। अरे पता नहीं, तुमको कल घुमाएंगे यार बाइक पे, स्कूटी पे। सही है, आदत डाल लो। अब स्कूटी यहाँ चले, समोसा पार्टी सब लोग खा रहे, और एक बार घर लॉक करेंगे और फिर निकलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ वाला नहीं, मोहल्ला वाला रखा है। सो भाइयों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यार कानपुर से, और गंगा बैराज पे आज पहली बार जाते जाते, व्हेन वी आर लीविंग कानपुर वी आर हैविंग समथिंग फर्स्ट टाइम। तो भुट्टा ले रहे हैं यार, और अगल बगल बहुत ही बढ़िया गंगा जी दिख रही है, अरे पाप हो गए। और चल रहे लेट, चल रहे हम लोग अब लखनऊ की तरफ, हमने बच जाएगा यार, रात के 9 तो बज ही जाएंगे मोटा मोटा, बट चलते हैं देखते हैं, लेट्स गो। एंड रास्ते में कुछ मिलता है तो ठीक है, एक बार डीजल डलाना है इसमें, और फिर हवा डलाएंगे और चाय भी पी लेंगे, तो चलते हैं और मिलते हैं आगे, पता चलता है। देख रहे हैं वो जानबूझ के चला रहा है, वैसे ऐसी चीज लदी है कि बैलेंस नहीं सही है क्या? अरे बैलेंस मतलब तो धीरे कट काटो ना, एक बार देखे वो कहीं ब्रेक मार रहा है, रोड तो खाली है तो कट कम मार रहा है, टाइम ही होगा। हाँ बहुत ज्यादा आलू प्याज बहुत ज्यादा, तो धीरे चले, देख रहे हैं स्पीड कहीं धीमे कर रहा है वो, रोड बहुत ज्यादा है, सब्जी वाला है नहीं
लगेगा इसे आज देखना पड़ेगा किसका। देखो ट्रक उधर कर दिए खालू फेड़ा के तरफ से चले गए। अरे 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 आओ बड़ी आ जाओ आ जाओ। अरे चलो टहला ले आए इसके। हाँ चलो।